अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम जो है वो चैप्टर नंबर हम 6 पढ़ रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि डेड लॉक क्या होता है। डेड लॉक की एग्जाम्पल्स बताई मैंने आपको। डेड लॉक को अकर जो मतलब उसका फाइंड आउट करने के लिए कि डेड लॉक कितना अकर हो रहा है किसी भी प्रोसेस के अंदर या चीज़ के अंदर, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि रैग होता है, ठीक है। वो आगे भी इन डिटेल आएगा, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमारा। तो आज हमने देखना है मेथड फॉर हैंडलिंग डेड लॉक, फिर उसके बाद फर्दर सो ऑन प्रिवेंशन, डिटेक्शन, रिकवरी, ये सारे मेथड इसके अंदर आएंगे। मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेड लॉक, आर डेड लॉक कैन बी हैंडल इन सेवरल वे। एक जो डेड लॉक अकर हो जाता है उसको हम कितने तरीकों के साथ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन यूज स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, मतलब कि हम कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स यूज कर लेंगे टू प्रिवेंट और अवॉइड डेड लॉक, सो डेट अ सिस्टम मे नेवर एंटर अ डेड लॉक स्टेट। तो फिर जो है हमारे हैंडल करने का मकसद भी यही होता है कि डेड लॉक जो है वो हमारा कंट्रोल रहेगा और हम डेड लॉक को अवॉइड कर लेंगे। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। सो कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होंगे। वी कैन डिटेक्ट द डेड लॉक एंड रिकवर इट, मतलब अब हमने हैंडल करना है, डिटेक्ट कर लिया और अब उसको रिकवर कर लें, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि डेड लॉक अकर हो गया तो उसको रिकवर करने के भी आपके पास मेथड्स आएंगे आगे। वी कैन टोटली इग्नोर द डेड लॉक प्रॉब्लम, या फिर टोटली उसके डेड लॉक की प्रॉब्लम को इग्नोर कर दें। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन डेड लॉक प्रिवेंशन। वी कैन प्रिवेंट डेड लॉक by ensuring that at least one of four necessary conditions, मतलब कि ये जो आगे हमारी four conditions है, ठीक है। मैंने पहले भी देखी है, mutual exclusion है, hold and wait है, non preemption है, and circular हमारा wait है, ठीक है, circular bound है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि at least one of four necessary condition for deadlock cannot occur, तो मतलब इन चारों में से कोई भी condition जो है वो occur नहीं होनी चाहिए। इफ एट लीस्ट वन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सपोज करो कि अगर हमारी कोई भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, अ डेड लॉक विल नॉट अकर। सो मतलब अगर हम इनसे बच जाएंगे तो हमारे डेड लॉक से हम प्रिवेंट रहेंगे। हाँ जी भी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज। आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो कहाँ पे होल्ड करती है? जहाँ पे नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पहले भी मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस एट अ टाइम चलेगा, ठीक है, वो दूसरे को नहीं आने देगा जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ओनली वन प्रोसेस कैन हैव एक्सेस टू प्रिंटर एट अ टाइम, मतलब एक प्रोसेस, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस एट अ टाइम एक प्रिंटर अटैच है उसको एक्सेस कर सकेगा, अदरवाइज द आउटपुट इज डिस्टर्ब। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का तो कॉन्सेप्ट यही था, अदरवाइज आपकी जो भी आउटपुट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर डिफरेंट प्रोसेसेस कहेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा वहाँ पर। Some resources can be made shareable, like a read-only file, several. So non-shareable में resources में तो आपका printer आ गया, so shareable में आपकी file हो सकती है जिसमें आप read out कर सकते हैं, ठीक है, write नहीं कर सकते। Several processes can be granted read-only access to file without interfering with each other. वही बात के मतलब वो उसमें write नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ read कर सकते हैं, ठीक है। अगर shared variable की बात करें या shared concept की बात करें तो वहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ read-only file का concept आता है, लेकिन non-shareable resources में आपका printer जो है वो at a time एक ही process at a time में access कर सकेगा, उससे ज़्यादा access उसे नहीं कर सकेंगे। However, deadlock cannot be prevented by only denying the mutual exclusion condition because some resources are intrinsically non-shareable. So वही बात है कि mutual exclusion जो है वहाँ पे bound हो जाती है जहाँ पे non-shareable resources होते हैं, तो वो हर किसी को share नहीं कर सकती। तो mutual exclusion के concept में यही हमने read किया था कि जो आपका प्रोसेस है वो एक ही आपका रिसोर्स को एक्सेस करेगा एट अ टाइम में, इससे ज्यादा नहीं।
ओके होल्ड एंड वेट. होल्ड एंड वेट में क्या है, डेड लॉक कैन बी प्रिवेंटेड बाय डिनाइंग दी होल्ड एंड वेट प्री कंडीशन. डेड लॉक ने किसे हमें प्रिवेंट करना है, आपकी जो होल्ड एंड वेट की प्री कंडीशन है उससे. दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन टू डिफरेंट वे. सो ये दो तरीकों के साथ हम कर सकते हैं. एक अप्रोच है इज दैट अ प्रोसेस रिक्वेस्ट, मतलब एक प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है ऑल द रिसोर्सिस दैट इज नीड इन वन सिंगल रिक्वेस्ट एट प्रोसेस स्टार्टअप, मतलब कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है अभी प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए. The system will not grant any resource in the list until it can grant all the required resources. So, तब तक वो नहीं करेगा काम जब तक वो initially request भेजेगा, फिर उसकी request जो है वो accept होगी. तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये अगर होगी कि लो यूटिलाइजेशन होगी, मतलब कि लो यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे, इनिशियली एलोकेटेड ऑल, वही बात, लो यूटिलाइजेशन हुई नुकसान ही हुआ. मैंने अभी आपको पहले बताया कि आपकी जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है. तो इसमें ये प्रॉब्लम है, लो यूटिलाइजेशन होगी, बहुत स्लो डाउन हो जाएगा वो, सिर्फ और सिर्फ सबको रिसोर्सेज एलोकेट करने में ही टाइम वेस्ट कर देगा. अ लेस रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच इज टू अलाउ अ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्सिस ओनली वेन इट इज करंटली होल्डिंग नो रिसोर्स. मतलब अब इसमें ये भी लेस रिस्ट्रिक्टिव है कि मतलब जिसको अब वो प्रोसेस नहीं मिल, रिसोर्स नहीं मिला होगा जिस प्रोसेस को, सिर्फ और सिर्फ उसी को ही एलोकेट करेगा. इफ अ प्रोसेस नीड अ रिसोर्स इट मस्ट फर्स्ट रिलीज ऑल द रिसोर्सिस इट हैड एंड देन पुट द रिक्वेस्ट. हाँ जी, आपको समझ आ गई होगी कि क्या मतलब है इस लाइन का. वो कह रहे हैं कि पहले जितने रिसोर्सेज सबको प्रोसेसेस को प्रोवाइड किया गया, जब तक वो रिलीज नहीं करते न्यू वाला, जब जितना मर्जी रिक्वेस्ट करी जाए, हालांकि आपके पास एक रिसोर्स फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है, वो तब तक उसको कंप्लीट नहीं करेगा. सो सारी इसमें कंप्लीशन जो है वो होनी चाहिए. इट मे इंक्लूड अ रिक्वेस्ट फॉर द रीएलोकेशन ऑफ अ रिसोर्स इट जस्ट रिलीज. तब तक नहीं ही वो उसको एक्सेप्ट करेगा जब तक वो सारे रिसोर्सेज जो हैं रिलीज ना कर. हाँ जी, प्रॉब्लम क्या है इस, मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम इसकी बता दी है, लो यूटिलाइजेशन है, ठीक है. यूटिलाइजेशन इशू आता है इफ वी एलोकेट ऑल रिसोर्सेज एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस. लेट्स सपोज कर लेते हैं हम सारे रिसोर्सेज जो हैं वो बिगनिंग में ही सब प्रोसेसेस को दे देते हैं. इट मे होल्ड रिसोर्सेज व्हेन इट डज नॉट नीड देम, ठीक है. अब उसने क्या किया, जिस प्रोसेस को जरूरत नहीं थी रिसोर्स की उसको भी दे दिया. इट रिड्यूस रिसोर्स यूटिलाइजेशन. दिस इज एस्पेशली सीरियस इफ अ प्रोसेस डज नॉट नो वट रिसोर्स इट विल एक्चुअली नीड फॉर अ गिवन एग्जीक्यूशन अंटिल इट हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन द डेटा. मतलब उसको जरूरत भी नहीं थी, उसको मिल गया, ठीक है. जिस चीज की वो डिमांड करना चाह रहा था वो दूसरे को दे दी. द प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट ऑल द रिसोर्सेज इट माइट नीड. अब तीसरा प्रोसेस है, दो प्रोसेसेस हैं, मतलब एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है. अब वो क्या कर रहा है, टेप जो है उसको एलोकेट कर दिया है. वो रिक्वेस्ट किस चीज़ की भेज रहा है, प्रिंटर की. अब आर थ्री है प्रोसेस, वो भी रिक्वेस्ट कर रहा है आपकी जो टेप ड्राइवर्स है उसकी या फिर प्रिंटर्स की, तो लेकिन वो तो बिजी हैं. तो दोनों जो रिसोर्सेज हैं वो आपके एक प्रोसेस को दे दिए गए हैं, प्रोसेस वन को दे दिए गए हैं. तो जो आपका, इसी तरह अगर मैं थ्री रिसोर्सेज की बात करती हूँ, आर वन आर टू आर थ्री, थ्री रिसोर्सेज हैं और मेरे पास एक प्रोसेस है. ऑलरेडी मैंने प्रोसेस वन को रिसोर्स वन भी दे दिया है, रिसोर्स टू भी दे दिया है. अब रिसोर्स थ्री भी रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोसेस वन के पास जाने के लिए, लेकिन वो तब तक वो नहीं मैनेज होगा जब तक वो सारे उसको रिलीज ना कर दे. सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है वो अकर होगी. अ प्रोसेस डेट नीड सेवरल पॉपुलर रिसोर्सेज माइट फेस स्टारवेशन. Some processes may never execute since some other processes always has control of some required resources. So, यहाँ पे जो starvation होती है, starvation एक problem है. Especially ये जो preemptible होती है उसके ऊपर work होती है. When process release, ठीक है, जब process release करते हैं तो ये अपना जो actually work है उसको loss कर देते हैं. सो इसका मतलब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सम प्रोसेस कैन मे नेवर एग्जीक्यूट, मतलब कुछ प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे,
अब ऐसा हो रहा है कि छोटे वाले प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, बड़ा वाला लार्ज वाला प्रोसेस रह गया है, ठीक है, अब उसको वो जगह ही नहीं दे रहे, उसको स्पेस ही नहीं दे रहे, छोटे वाले जो है वो कंप्लीट होते जा रहे हैं और बड़े वाला जो है बेचारा बैठा है वेटिंग में, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि स्टारवेशन अकर हो जाएगी, ठीक है, कि बेचारे को अथॉरिटी नहीं मिल रही, छोटे वाले आई जा रहे हैं वो पहले अपना काम कर ही जा रहे हैं। हाँ जी, नो प्रियम्शन, ये प्रियम्शन का जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको बताया था कि हम फोर्सली बंद करते हैं। नॉन प्रियम्शन में क्या होगा, अनटिल रिसोर्सेज विल बी फिनिश्ड बट वॉलंटरली रिलीज एंड स्टॉप, मतलब अपना काम कंप्लीट करेंगे या फिर जब हमें समहाउ हमें ज़रूरत होगी, वॉलंटरी का मतलब होता है कि समहाउ हमें ज़रूरत है स्टॉप करने की, तब हो, ठीक है, अदरवाइज ये अपना काम कंप्लीट करेंगे। प्रियम्पशन ऑफ रिसोर्सेज मींस दैट वी टेक अवे रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोसेसेस व्हेन देयर आर वेटिंग फॉर एन अदर रिसोर्सेज, ठीक है, अब एक प्रोसेस चल रहा है वो दूसरे का वेट कर रहा है, दिस कुड वर्क इन फॉलोइंग वेज, एज सून एज प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर अ रिसोर्स, मतलब एक प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स की दैट इज नॉट अवेलेबल, ऑल ऑफ इट्स हेल्ड रिसोर्सेज आर रिलीज्ड, ठीक है, अब वो अवेलेबल नहीं है, जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे, तब तक वो कंटिन्यू रखेगा। दिस द प्रोसेस इज नाउ वेटिंग फॉर ऑल ऑफ द प्रीवियसली हेल्ड रिसोर्सेज प्लस द रिसोर्सेज दैट इज रिक्वेस्टेड, वही बात वेट में रहेगा जब तक सारे कंप्लीट नहीं होंगे। प्रीएम्प्टेबल में तो हम फोर्सली उसको बंद कर देते थे ना, नॉन प्रीएम्प्टेबल में अब वो अपना काम कंप्लीट करेगा, अपनी मनमानी पूरी करेगा, ठीक है, उसको कंप्लीट करके ही कहेगा कि मैंने अपना मुझे टाइम था, मेरा ये मेरा काम है, मैंने इसे कंप्लीट करना ही करना, आप उसे फोर्सली बंद नहीं करेंगे। हाँ, समहाउ अगर ज़रूरत होगी उसको स्टॉप करने की, तब ये काम जो है वो रोक सकेगा। सपोज अ प्रोसेस होल्ड अ टेप ड्राइवर एंड रिक्वेस्ट अ लाइन प्रिंटर, ठीक है, उसको प्रोसेस को टेप ड्राइवर मिला लेकिन वो रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, प्रिंटर की कर रहा है। इफ़ अ लाइन प्रिंटर इज नॉट अवेलेबल, लेट्स सपोज करते हैं लाइन प्रिंटर जो है वो अवेलेबल नहीं है, द टेप ड्राइवर इज टेकन अवे, तो यहाँ पे क्या होगा, टेप ड्राइवर जो है वो टेकन अवे हो जाएगा, मतलब चला जाएगा, एंड द प्रोसेस इज पुट इन टू अ स्टेट ऑफ वेटिंग फॉर बोथ अ टेप ड्राइवर एंड अ लाइन प्रिंटर। सो दूसरी कंडीशन क्या होती है, व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स, ओके, मैं तो नॉन प्रीएम्प्शन में मैंने आपको ये बताया है, नॉन प्रीएम्प्शन में क्या होता है कि जब हम रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे होते हैं तो देखिए प्रीएम्प्टेबल में हम उसको फोर्सली बंद करते हैं, ठीक है, तो देन वो हमारा जो काम है सारा बंद होगा या फिर वॉलंटरी रिलीज होगा, ये ऑलरेडी आपको बता दिया, वैसे स्टारवेशन अगर होगा। सर्कुलर वेट की बात कर रही थी, सर्कुलर वेट में ये चीज़ है, सर्कुलर वेट में देखें रैंडम नंबर असाइन कर दिए जाते हैं, रैंडम नंबर से ये होता है कि अब मैं डिमांड कर रही थी प्रिंटर की, तो प्रिंटर फोर्थ नंबर पे था, ठीक है, तो पहले मुझे जो मेरे सीक्वेंस नंबर में रैंडम नंबर जो असाइन किया गया उसमें टेप नंबर, टेप जो हमारा रिसोर्स था वो नंबर वन पे था, तो पहले मुझे वो एलोकेट किया जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो इसमें यही प्रॉब्लम है और कोई भी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज काम चलेगा। तो जो भी सर्कुलर वेट है उसमें हम जो प्रिवेंट कर रहे हैं डेड लॉक को किस तरह कर रहे हैं, सर्कुलर वेट में है, इनको नंबर असाइन कर दिए जाते हैं, जैसे कि सपोज टेप ड्राइवर हैज नंबर वन, डिस्क ड्राइवर हैज नंबर फाइव एंड प्रिंटर हैज 12, आर प्रोसेस वांट टू रीड एंड डिस्क ड्राइव एंड प्रिंट आउट द रिजल्ट, देन वो उसको रिजल्ट को जो है वो रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, ये तो अब ये कैसे होगा, प्रिवेंट करेगा रिवर्स ऑर्डर में, पहले वो ऑर्डर फॉर्म में कर रहा था, अब उसको कैसे कर रहा है, रिवर्स ऑर्डर में कर रहा है, तो इसमें ये नंबरिंग का इशू है और कोई नहीं है, इसमें और कोई सीरियसली प्रॉब्लम जो है वो जनरेट नहीं हो रही। तो वही बात, रिसोर्सेज जो भी हमें मिल रहे हैं एलोकेट हो रहे हैं वो सीक्वेंस वाइज हम ले रहे हैं, इस वजह से आपकी जो यूटिलाइजेशन है वो लो हो जाती है। तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ,
हाँ जी, मेथड्स ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक देखे मैंने, इसमें आपको बताया कि हम जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं वो डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए, अब वी कैन डिटेक्ट द डेडलॉक एंड रिकवर इट, मतलब हम डेडलॉक को डिटेक्ट करें और रिकवर कर रहे हैं, और डेडलॉक की प्रोग्राम या फिर हम टोटली डेडलॉक की प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन में मैंने आपको बताया कि फोर कंडीशंस हैं जो कि आप लोगों ने डेडलॉक में फोर कंडीशन के ऊपर ही काम करना है, यही म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नॉन प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में मैंने आपको बताया शेयरेबल और नॉन शेयरेबल का कॉन्सेप्ट है। देखिए शेयरेबल होगा उसके ऊपर तो आपका डेडलॉक अकर ही नहीं होगा, वो तो सबको आसानी के साथ ही डाटा प्रोवाइड कर रहा है, तो नॉन शेयरेबल होगा तो ही आपकी डेडलॉक अकर होगी। तो नॉन शेयरेबल क्या है, सेवरल प्रोसेस कांट बी साइमल्टेनियसली शेयर्ड अ सिंगल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आप मतलब कि एक साथ सिंगल रिसोर्सेज सबको शेयर नहीं कर सकते। और शेयरेबल में क्या है, शेयरेबल में हर किसी को एक्सेस जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। सो एक्सक्लूसिवली हम कोई जो है वो यूज कर रहा है, एक्सक्लूसिव वे में कर रहा है, अगर हो रही है एक्सेस प्रोवाइड की जा रही है, तो यहाँ पे तो चांस ही नहीं है कि डेडलॉक अकर हो। सो नॉन शेयरेबल जो है आपके रिसोर्सेज में वहां पे डेडलॉक अकर होगा। जैसे कि दो सर्वर हैं, एक प्रिंटर है, तो दोनों जो है एक प्रिंटर की डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका डेडलॉक अगर होगा बिकॉज नॉन शेयरेबल है। अब एट अ टाइम प्रिंटर एक सर्वर को ही असाइन किया जा सकता है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा, हम कोई भी नॉन शेयरेबल को शेयरेबल नहीं बना सकते, तो यहाँ पे ये मेथड डेडलॉक प्रिवेंशन का वेस्ट हो गया। हाँ जी, उसके बाद आपके होल्ड एंड वेट में बताया, होल्ड एंड वेट में ये चीज़ होती है कि सबको इनिशियली हम रिसोर्स एलोकेट कर देते हैं एक प्रोसेस को, तो ये लो यूटिलाइजेशन प्रॉब्लम अगर होती है, यहाँ पे इनिशियली रिसोर्स की रिक्वेस्ट की जाती है, वो अगर कोई भी रिसोर्स प्रोसेस के पास नहीं है तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर वो बिजी होगा रिसोर्सेज जब तक उसके सारे रिलीज नहीं होंगे तब तक वो न्यू रिसोर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज इसमें हम सब एक साथ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं। नॉन प्रीएम्पशन की बात कर लेते हैं, नॉन प्रीएम्पशन में, नॉन प्रीएम्पशन क्या है, ये तब तक अपना काम कंप्लीट नहीं करेगा जब तक इसको फोर्सली बंद नहीं किया जाएगा, या फिर वॉलंटरली रिलीज नहीं करेगा, या अपनी मर्जी से नहीं रिलीज करेगा, या फिर स्टॉप नहीं होगा, तब तक ये काम करता रहेगा, भाई खुद मुख्तार है, इसने काम कंप्लीट करना है। इट वर्क ऑन प्रीएम्प्टेबल, अब नॉन प्रीएम्पशन जो है अब वो नहीं चाह रहा काम करना, वो रिसोर्स जो है वो उसके पास नहीं जाना चाह रहा, लेकिन उसको मिल गया है, तो अब वो अपना टाइम वेस्ट हो रहा है उसका, ठीक है, उसको वेट करना पड़ा है अपने एक्चुअल प्रोसेस के लिए। सो बेहतर है कि आपका जो काम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसके लिए हमें इसके प्रिम्प्टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम अगर होगी जिसे हम कहते हैं स्टारवेशन, और स्टारवेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारा जो प्रोसेस जब रिलीज करता है तो वो कुछ संभव अपना वर्क जो है लॉस कर देता है। सर्कुलर वेट में आपको बताया है मैंने कि हम असाइन कर देते हैं रैंडम नंबर्स, ठीक है, नंबर असाइन कर देते हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं वो इन रैंडम नंबर्स की बेस पे हो रहे होते हैं। लाइक मुझे थर्ड नंबर पे मेरा प्रिंटर पड़ा है, लेकिन अब मेरे जो रिसोर्स है टेप नंबर वन पे है, टू पे रीडर फाइल पड़ी हुई है, तो अब क्या होगा, पहले मुझे टेप मिलेगी, फिर मुझे रीडर फाइल मिलेगी, देन मैं प्रिंटर की एक्सेस ले सकूंगी। सो इसी बेस पे सीक्वेंस की फॉर्म में काम चलेगा, अगर वो अब अपना काम कंप्लीट कर लिया तो फिर उसका रिवर्स ऑर्डर में काम करेगा। तो ये है इसके अंदर प्रॉब्लम, और कोई इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये रिड्यूस करेगा यूटिलाइजेशन। देखें लो यूटिलाइजेशन होगी तो आपका काम जो है वो बहुत स्लो होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ रैंडम नंबर ऑर्डरली फॉर्म में काम कर रहे हैं, इसी वजह से इसमें ये प्रॉब्लम जो है वो अकर हो रही है। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।